सो हेलो गाइस, माय नेम इज सोहन और आई एम द ऑप्शन गुरुजी। तो गाइस, आज है अपना 10th डे, 28 डे के चैलेंज के अंदर आप सबका फिर से स्वागत है। और आज अपना दिन कैसा रहता है, किस तरह से अपन ट्रेडिंग प्लान करते हैं और फाइनल पीएनएल किस तरह से रहता है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि आज अपना काफी अच्छा दिन रहता है दोनों अकाउंट्स के अंदर अपने, अगर बात करूँ तो प्रॉफिट्स के अंदर निकलते हैं। और आज अपन ने लिए थे निफ्टी के अंदर 2 ट्रेड और 3 ट्रेड लिए थे स्टॉक्स के अंदर, 1 ट्रेड पहले से अपना टाटा स्टील के अंदर होल्ड है। तो ये सब का जो रिजल्ट है वो किस तरह से है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो निफ्टी के जो आज 2 ट्रेड लगे थे, सबसे फर्स्ट ट्रेड 931 के समथिंग यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ और इसका मुझे यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। सेकंड ट्रेड लेता हूँ मैं इस लेवल के ऊपर समथिंग और समथिंग 1325 के ऊपर, और यहाँ के मतलब 1:25 और यहाँ पे मेरा एक SL लगता है। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट डाउन का था बट यहाँ पे मेरा एक SL लगता है। SL को मैं करता हूँ रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट मेरा फाइनल पीएनएल क्या रहता है वो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोजीशन है, एक जो मॉर्निंग में मुझे ट्रेड मिला था उसमें मेरा ये प्रॉफिट हुआ था एक छोटा सा, और उसके बाद में एक बिल्कुल छोटा सा SL लेके, और यहाँ पे ऑर्डर्स के साथ में आप देख सकते हो, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटे छोटे से प्रॉफिट के साथ में निकल जाता हूँ। अगर बात करूँ गाइस, अभी आज 10th डे में मैं अभी चल रहा हूँ 2.5K के समथिंग प्रॉफिट, और मैं किस तरह से इसको मेंटेन कर पाता हूँ या फिर क्या इसको लॉस में मैं क्लोज करूंगा, ये सब कुछ आप ट्रेडिंग जर्नल में यहाँ पे मेंटेन होता हुआ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूँ सेकंड अकाउंट की, तो मैं एक ट्रेड लेता हूँ टाटा स्टील का, अपना ट्रेड होल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, वो कवर्ड कॉल टाइप ट्रेड है। उसके बाद में एक इन्फी में ट्रेड लेता हूँ, इन्फी में एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक टारगेट लेता हूँ पुट साइड का। फिर मैं एक TCS में एक ट्रेड लेता हूँ, TCS में भी पुट साइड का एक ट्रेड लेता हूँ, और ये अभी तक होल्ड है। ठीक है, इसमें छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है बट मैं अभी इतना सा प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहता, 200-400 का प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसमें अच्छा सा प्रॉफिट मिले। एक ITC के अंदर ट्रेड लेता हूँ और उसमें भी मुझे एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है और मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तो देखिए गाइस, ये रहा अपना सेकंड अकाउंट, और सेकंड अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाटा स्टील की पोजीशन है वो अभी भी मेरी दोनों की दोनों होल्ड है, और TCS की जो है अभी उसको भी मैंने होल्ड कर रखा है। इन्फी और ITC का दोनों यहाँ पे मुझे यहाँ पे टारगेट मिलने जा रहा है। ठीक है, सॉरी, इनका मुझे टारगेट मिल चुका है और इनको अभी होल्ड कर रखा है, कल देखते हैं इनका क्या रहता है। ठीक है, तो अभी चलता हूँ मैं वापिस अपने चार्ट के ऊपर। तो ओवरऑल क्या रहता है वो आप सबके सामने है ही, और अभी आपका अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो मेरे से, बेसिक कोर्स है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, और बेसिक कोर्स मेरे सेकंड जो मेरा चैनल है वहां पे आपको मिल रहा है। तो सेकंड चैनल पे अभी के भी चाहिए, और वहां से एक प्लेलिस्ट है जो बेसिक कोर्स की, वहां से आप सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास लेता हूँ मैं 9:30 पे हमेशा शाम को, नाइट में, तो वहां पे आप आ सकते हो और मेरे से लर्निंग ले सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आज के इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद गाइस।